गाइज, आज हम लोग अग्निपथ स्कीम क्या है इसे बड़े बारीकी से समझेंगे। क्या इसमें बेनिफिट्स मिल रहे हैं, इसमें जाने के लिए क्या प्रोसेस है, सारा कुछ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अगर किसी भी आर्म फोर्सेस में जाना हो तो उसके लिए दो तरीके हैं। पहला परमानेंट कमीशन, दूसरा शॉर्ट सर्विस कमीशन, जिसको हम लोग SSC बोलते हैं। अब ये परमानेंट कमीशन क्या है? देखिए, आर्मी के अंदर हर विंग की अलग अलग एज होती है। किसी विंग में यंग लोगों की ज़रूरत होती है तो वहाँ 40 साल तक सर्विसेज होती है। किसी विंग में 50 की ज़रूरत होती है तो वहाँ 50 साल की सर्विसेज होती है। तो ऐसे करके हर विंग की अलग अलग एज होती है। परमानेंट कमीशन में अगर आप जाते हो तो जिस विंग में आप जाते हो उस पर्टिकुलर विंग की डिसाइडेड एज तक आपको जॉब करनी होगी। उसके बाद आप रिटायर होंगे। उसके बाद आपको एक सर्विस मैन की बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे कि पेंशन, ग्रेजुटी वगैरह। नहीं, अगर SSC शॉर्ट सर्विस कमीशन में आपका होता है तो वहाँ पे आपको 10 साल तक जॉब करनी होगी। कुछ केस में एक्सटेंड होके 14 साल तक हो जाती है। उसके बाद आप रिटायर्ड हो जाओगे, लेकिन उसके बाद आपको कोई पेंशन वगैरह नहीं मिलेगी। देखिए, ये तो बात हो गई परमानेंट और शॉर्ट सर्विस कमीशन की, जिसे हमने बेनिफिट्स और रिटायरमेंट के बेसिस पे बांट दिया। आर्म फोर्सेस के अंदर किस रैंक पे आप जाओगे, इसके भी दो लेवल होते हैं। पहला तो ऑफिसर रैंक पे एंट्री होती है, जैसे कि लेफ्टिनेंट वगैरह। दूसरी एंट्री होती है सिपाही या जवान के लेवल पे। इसके बाद आपके एक्सपीरियंस के ऊपर आपका प्रमोशन होता है। ये जो नई पॉलिसी आई है, इसमें एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि परमानेंट कमीशन, शॉर्ट सर्विस कमीशन के साथ साथ एक और चीज़ जुड़ गई है, वो है अग्निपथ। इससे पहले हम डिस्कस करें कि अग्निपथ है क्या चीज़। एक चीज़ आप समझ लीजिए कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि दो लेवल पे एंट्री होती है आर्म्स फोर्सेस के अंदर। एक होती है ऑफिसर रैंक पे, दूसरी होती है सिपाही या जवान के रैंक पे। तो जो ऑफिसर रैंक की भर्ती थी वो पहले जैसे हो रही थी वो बिल्कुल वैसे ही होती रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो जो ये डिस्कशन चलेगा वो चलेगा सैनिक यानी कि जवान लेवल के ऊपर। ये जो अग्निपथ स्कीम आई है, ये सिर्फ सैनिक यानी कि जो जवान है उन्हीं की भर्ती के लिए आई है। अग्निपथ स्कीम का ऑफिसर रैंक की एंट्री से कोई लेना देना नहीं है, वो जैसे पहले चल रही थी वैसे चलती रहेगी। अब इनमें से कुछ लोगों को ये भी लग रहा है कि पहले जो भर्ती चल रही थी कंटिन्यू चलती रहेगी और उसके साथ साथ एक और स्कीम आ गई है अग्निपथ। तो देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है, एक बार आप पढ़ लीजिएगा। इसमें क्लियरली मेंशन है कि ये ऑप्शनल नहीं है। अब अगर किसी को भी सैनिक लेवल पे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, सैनिक लेवल, ऑफिसर रैंक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सैनिक लेवल पे अगर किसी को जाना है तो उसको सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से एंट्री मिलेगी, वो है अग्निपथ। अब ये देख लेते हैं अग्निपथ स्कीम है क्या। देखिए, अगर किसी की भी एज 17.5 साल से लेकर 21 साल के बीच में है और वो 10th और 12th पास है तो वो इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकता है। और इसमें सेम वही रूल और प्रोसेस फॉलो होगा जो इससे पहले होता था। सेम वही फिजिकल, मेडिकल एग्ज़ाम, एक एक चीज़ सेम होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। जैसे पहले अवार्ड एंड रिवॉर्ड मिलते थे, परमवीर चक्र वगैरह, एक एक चीज़ सेम होगी। अभी ये फीमेल के लिए ओपनिंग नहीं है, लेकिन बोला गया है कि आगे चल के फीमेल के लिए भी ओपनिंग हो जाएगी। आज से 90 दिन बाद बहाली स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें 46,000 जवानों को भर्ती किया जाएगा। पहले जो सैलरी मिलती थी उससे ज़्यादा सैलरी मिलेगी। इससे पहले जो सैलरी मिलती थी वो शुरू के 4 साल 21,700 मिलती थी, लेकिन अग्निपथ स्कीम में हर साल वेतन बढ़ेगा। पहले साल में 30,000, दूसरे साल में 33,000, तीसरे साल में 36,500 और चौथे साल में 40,000 मिलेगी। जो सैलरी है वो अग्निवीरों को इन हैंड कम मिलेगी, क्योंकि ये सैलरी में से 30% है वो अग्निवीर फंड में जाएगा, और इतने ही पैसे गवर्नमेंट भी अग्निवीर फंड में जमा करेगी। जैसे कि PF में होता है सेम वैसे ही होगा। उसके बाद लास्ट में आपको 11,71,000 रुपये मिलेंगे, ताकि आप 4 साल बाद रिटायर हो फौज से तो आपके हाथ में कुछ पैसा हो। और ये जो फंड है आपका, इसके अगेंस्ट आप चाहो तो 18 लाख तक का लोन भी ले सकते हो, और 48 लाख का इंश्योरेंस भी मिलेगा जब तक आप अग्निवीर हो या फिर सर्विस में हो आप तब तक। देखिए, इसमें जो आपका समय होगा वो 4 साल का होगा। उसके बाद 25% अग्निवीरों को आर्मी में लिया जाएगा, बाकी जो 75% बचेंगे उनको घर भेज दिया जाएगा। इस पूरे 4 साल में 3 साल स्किल बेस्ड बैचलर डिग्री का भी अरेंजमेंट किया गया है, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का भी एक इग्नू के साथ MOU साइन होगा, जिसमें अग्निवीर बैचलर डिग्री के लिए एनरोल कर सकेंगे। इसमें कई एंट्री और एग्जिट ऑप्शन मिलेंगे आपको। पहले साल में सर्टिफिकेट, दूसरा साल में डिप्लोमा, तीसरे साल में डिग्री मिलेगी। इसमें 50% मार्क्स आपने टेक्निकल और नॉन टेक्निकल स्किल सीखे होंगे उसके होंगे, बाकी जो 50% मार्क्स इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ये सब सब्जेक्ट के होंगे।
जो कि आप क्रेडिट सिस्टम से यूनिवर्सिटी से भी अवेलेबल कर सकते हो। जो पढ़ाई की भी दिक्कत है वो भी नहीं होगी। ये जो पॉलिसी है वो बहुत अच्छी लग रही है। जो इतने टाइम से भर्ती रुकी हुई थी अब 46,000 वैकेंसी भी आ गई है। एग्जिट होने पे 11,00,000 का अमाउंट भी मिल रहा है। और जो लोग 2 साल से वेट कर रहे थे उनके लिए एज 23 साल भी कर दी गई है। इसको ये मत समझिएगा कि हर बैच के लिए एज 23 साल कर दी गई है। ये जो पहला बैच है उसके लिए 2 साल एज बढ़ाई गई है। बाकी जो एज लिमिट है 17.5 साल से 21 साल ही है। और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि जब आप यहाँ से निकलोगे तो ज़्यादा डिसिप्लिन भी रहोगे, एक्सपीरियंसेस भी रहेगा आपके पास। तो जो अब आप यहाँ से निकलोगे सोसाइटी में जाओगे तो जॉब में भी आपको प्रेफरेंस मिलेगी। इस CAPF आसाम रेफल्स में भी आपको प्रेफरेंस मिलेगी। अभी गवर्नमेंट ने यह भी अलाउंस किया है कि 10% का रिजर्वेशन भी मिलेगा। गाइस जितनी जानकारियाँ थी अग्निपथ स्कीम के बारे में मैंने आपको दिया। वैसे गाइस आपका इस स्कीम के बारे में क्या ख्याल है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।